चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी के लिए जो भर्ती सामने आई है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ जीडी के लिए भर्ती है आपके लिए, सीएपीएफ्स की भर्ती है, ठीक है, असम राइफल की भर्ती है। तो ये भर्ती क्या है और फॉर्म कब से स्टार्ट है? आज से ही फॉर्म स्टार्ट है 17/7 से। कब से भाई? तो 17/7 से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, आप ये देख सकते हैं 17/7 से। कब तक चलेंगे फॉर्म? तो 31/8 तक चलेंगे, मतलब अगले महीने की लास्ट डेट तक। इसमें आपको कितना पेमेंट करना होगा तो मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये इसका शुल्क होगा ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी या फिर फीमेल के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये का शुल्क है। एससी एसटी या फिर फीमेल सभी के लिए, उनके लिए 0 शुल्क है। इसमें कितनी भर्तियां हैं ये भी हम देख लेते हैं। पेपर आपका होगा, पेपर होने के बाद पीईटी टेस्ट होता है। पेपर पहला होगा, फिर पीईटी टेस्ट होगा। पीईटी मतलब फिजिकल होगा, फिर पीएसटी होगा, ठीक है, यानी पीईटी और पीएसटी यानी मापतौल होगी, और फिर उसके बाद रनिंग वगैरह जो भी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम कितनी वैकेंसी हैं टोटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 25,271 वैकेंसी है। तो गोल्डन चांस है आपके लिए। एसएससी हर 3 साल में वैकेंसी निकालती है, तो जो बंदे अभी 18 साल के हो गए हैं और जिनका 10th पास कर लिया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर हम एज क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, किसको कितनी छूट मिलेगी। यानी पहले मैं बता देता हूँ आपके लिए एज कहाँ तक होगी, यानी 2/8/98 और 1/8/2003, इनके बीच में जिसकी भी आयु है ना, वो इस फॉर्म को भर सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है वो इसको भर सकता है। हाँ, इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और एक्स सर्विस मैन को 3 साल की छूट मिलेगी। साथ ही यहाँ पे जिनके फादर गुजरात कांड में मरे हैं, डेथ हुई है, उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। साथ ही साथ 8 साल की भी छूट है। कहाँ पे? ये गुजरात में ही है ओबीसी वालों को, ये अनरिजर्व वालों को है गुजरात के लिए 5 साल की छूट, और गुजरात के ही ओबीसी वालों को है 8 साल की छूट। तो आप इस तरह से डाल सकते हैं फॉर्म। एससी एसटी वालों को, गुजरात के वालों को 10 साल की छूट है। तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, तो अपने फॉर्म को डालें और तैयारी में जुट जाएं। साथ ही साथ इसके लिए क्या सिलेबस रहता है इसका, सिलेबस की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका? तो भाई यहाँ पर सेंटर की बात की गई है, सेंटर कहाँ कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, अपने नज़दीक सेंटर भरें। सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। जीएस आएगा, जीके जीएस, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। और मैथ आएगा, एलिमेंट्री मैथ, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के होंगे। साथ ही आप चॉइस कर सकते हैं इसमें हिंदी या इंग्लिश। आपको अगर इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी में एग्ज़ाम के साथ साथ हिंदी का ग्रामर आपको आएगा, तो आप चॉइस कर सकते हैं। हाँ, पिछले साल का कट ऑफ 73 था जनरल वालों के लिए, तो इस साल इससे तो कहीं ऊपर जाने वाला है, तो अपनी तैयारी में लग जाएं। घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सिलेबस की बात की गई है। इसमें साथ ही मैं बता दूं क्या दौड़ होगी, क्या भाग होगी इसमें, है ना। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये मेल के लिए है। 5 किलोमीटर कितने मिनट में भाई? 24 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। फीमेल के लिए ही दौड़ 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़नी होगी। ये तो बात हुई दौड़ की, तो आप दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ये उस वहाँ पे भी दिया है कि जो एक्स सर्विस मैन से उसको भी कितना दौड़ना है,
फॉर्म जरूर भरें। हाइट की बात कर लेते हैं, मेन फैक्टर है हाइट, यानी PHT में हाइट, मैंने बताया था PET और PHT, हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, 157 सेंटीमीटर फीमेल की होगी, यानी आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है जनरल वाले या OBC वाले यानी मेल जो भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल लड़कियों की हाइट अगर 157 सेंटीमीटर है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। सभी जो भी नोटिफिकेशन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। चल, ये कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है एज हाइट में, कहाँ कहाँ दिया है ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये केवल UT वगैरह, मिजोरम, नागालैंड, इनके लिए दिया होता है तो आप पढ़ सकते हैं। चेस्ट की बात कर लेते हैं। चल, चेस्ट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको ज़रूरी है। A to Z टोटल जानकारी आपको इसके बारे में मिलने वाली है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे यही सब जानकारी और दी हुई है, वेट कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम तो मिनिमम होना ही चाहिए। जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं। SSC के लिए कंप्लीट तैयारी आपके लिए कराई जाएगी, ठीक है। ये सभी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में और मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अपनी तैयारी को अंजाम दें और इस बार जॉब लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।